अंदर तो ना बेटी तस्लीम बेटी तू हिम्मत रख हिम्मत रख बेटी रुको रुको गाड़ी रुको बेटा मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाली है उसको बहुत दर्द हो रहा है भाई मदद कर दो बेटा ओए बुड्ढे पागल है क्या तू अबे तुम जैसे गरीबों के लिए मैं अपनी गाड़ी गंदी कराऊंगा साफ कौन करेगा इसे इंसानियत के लिए हमारी मदद कर दो बेटा ये गाड़ी ना मैंने अपने पैसों से ली है इंसानियत नहीं दिलाई मुझे बेटा बेटा आ जा बेटा चल बेटा बेटा पापा पापा बेटी बेटी मैं मदद मांग रहा हूँ रोक रहा हूँ गाड़ी रोक रहा हूँ बेटी पापा कोई गाड़ी रोको पापा मैं मर जाऊँगी पापा नहीं बेटा रुको रुको गाड़ी रोक बेटी बेटी हमारी मदद कर दो मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है उसको अस्पताल तक पहुंचा दो बेटी हमारी मदद कर दो पागल पागल हो गए क्या अंकल मैं पहले इंटरव्यू के लिए लेट हो चुकी हूँ और ऊपर से आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में मैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठूंगी बेटी ऐसे मत बोलो तुम भी एक लड़की हो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकती हो बेटी हमारी मदद कर दो बेटा हाँ अंकल लड़की हूँ पर दर्द नहीं समझ सकती माफ करो मुझे बेटी क्या हुआ अंकल अंकल ये कैसे हालत में यहाँ रोड पे बेटा हमारे पास कोई साधन नहीं है हम अस्पताल पैदल ही जा रहे थे इसको अचानक दर्द शुरू हो गया बेटा हमारी मदद कर हमने बहुत लोगों को रोका किसी ने गाड़ी नहीं रोकी हमारी कोई मदद नहीं की बेटा भाई मदद कर दो अंकल आप चिंता मत करो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा आप इन्हें उठवाने में मदद करो चलिए आपको कुछ नहीं होगा घबरा मत बेटा घबरा मत हिम्मत बैठ अंकल ये मेरा कार्ड आप रखिए और किसी चीज की जरूरत हो कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर देना मेरा घर पास में ही है मैं आ जाऊंगा बेटा तुम्हारे धन्यवाद के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं बेटा आज तुमने मेरे लिए जो किया है मैं सोचता था पैसे वालों के पास दिल नहीं होता इसीलिए वो किसी की मदद नहीं कर सकते लेकिन बेटा तुमने आज मुझे झूठा साबित कर दिया ऐसा कुछ नहीं है हर इंसान एक जैसा नहीं होता और आज के टाइम में लोगों के पास मदद करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है लेकिन तमाशा देखने के लिए घंटों तक खड़े हो जाएंगे आप चिंता मत करिए आप अपनी बेटी के पास जाइए और कुछ भी हो लड़का लड़की मुझे फोन करके जरूर बताना मैं वेट करूंगा जी जरूर बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे नमस्ते।